हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एयरपोर्ट विभाग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज निकला हुआ है, जो कि आपका मंत्रालय विमानन संचालनालय कैपिटल कॉम्प्लेक्स महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा यहाँ पर जो कि एयरपोर्ट के जो कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स डिपार्टमेंट्स में जो पद रिक्त है, इसके लिए यहाँ पर भर्ती किया जाना है, जो कि शासकीय वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड किया गया है, जो कि cgstate.government.in पर यहाँ पर जो है इसका जो है डिटेल्स आपको मिलेगा PDF, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसमें जो है एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है, यहाँ पर एयरपोर्ट जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में यहाँ पर आपका जो जॉब रहेगा, तो इसमें कुल यहाँ पर 5 पद हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशंस इनवाइट किया गया है। जो भी इस एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपको इसके रखा गया है 13 जून 2023 तक आपको यहाँ पर अप्लाई करने होंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पोस्ट जो है, पहला जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर के लिए एक पद है, अनरिजर्व है, बेसिक पे स्किल रहेगा, देख सकते हैं 7600 ग्रेड पे का, 85,000 आपका मंथली बेसिस रहेगा अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए। दूसरा सेफ्टी मैनेजर के लिए अनरिजर्व एक पोस्ट है, 6600 ग्रेड पे बेसिक आपका 65,000 वेतन रहेगा, क्लास वन का ऑफिसर रहेगा जगदलपुर एयरपोर्ट। तीसरा जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए एक, ST के लिए एक और SC के लिए एक पोस्ट, 4300 ग्रेड पे क्लास थ्री ऑफिसर रहेगा, 40,000 सैलरी रहेगा। और अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर तीनों जगह आपका कोई एक जगह आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशंस रखा गया है BE BTech या BSc एविएशन में, या फिर BSc PCM फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री या मैथ्स में हो, रेगुलर कोर्स कंप्लीट किया है, वो इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पर कमीशन ऑफिसर, सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फ्लाइंग ब्रांच में आपके यहाँ पर जो दिया गया है फोर्सेस विंग एविएशन विंग्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये भी आप देख सकते हैं, बी दो क्वालिफिकेशन दिया है, एक तो ए दिया गया है पहला BE BTech वाला, और दूसरा बी जो कि कमीशन ऑफिसर वाला रहेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, जो कि सिविल या फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाला है, एज लिमिट 30 से 62 वर्ष यहाँ पर रखा गया है, एक्सपीरियंस PGDCA वगैरह एयरपोर्ट डायरेक्टर वगैरह के लिए ये सभी कंपलसरी हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सेफ्टी मैनेजर वगैरह क्वालिफिकेशंस। दूसरा सेफ्टी मैनेजर के लिए वो तो था पहला आपका रिक्वायर्ड था, पहला वाला पोस्ट के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर के लिए था, ठीक है। दूसरा जो है सेफ्टी मैनेजर के लिए सेम रहेगा क्वालिफिकेशन पहला वाला, एज लिमिट बस चेंज होगा यहाँ पर 30 से 60, एक्सपीरियंस जो है 5 साल का रहेगा, ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। तीसरा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगा, बट इसमें 2 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट जो है 25 से 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो मोड है यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन, सेंड एप्लीकेशंस पेयर, एप्लीकेशन सेंड करने होंगे, इसको फॉर्म को भरने होंगे, यहाँ पर ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है।